भाई लोगों अपने भाई को बचा लो यार, मैं क्यों डरवाऊं यार, मैंने थोड़ी तोड़ा है, संभाला तो तुमने, तो मुझे मत पकड़ाती ना। तो हेलो दोस्तों, राम राम जी, क्या हाल है आप फिर सबके। आई होप कि आप सब बहुत भाई मस्त होंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो भाई लोगों, आप देख रहे होंगे बैक की लोकेशन कितनी प्यारी आ रखी है, मतलब जिसे बोलते हैं जबरदस्त लोकेशन है। तो यार आप सबके ना माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि यार 3-4 दिन से ना मैंने व्लॉग नहीं कंटिन्यू किए, तो भाई लोगों उसके पीछे का एक रीज़न है यार, मैंने एक्चुअली क्या है कि अपना रूम वगैरह शिफ्ट किया है। तो अब हम आ गए हैं एक नई लोकेशन में, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, आप देख ही सकते हो पीछे से, मतलब सुबह सुबह उठो और ऐसा नज़ारा देखने को मिले। मेरा यहाँ पे ना बेस्ट फ्रेंड भी बन चुका है, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम है टफ़ी, आप देख सकते हो इस भाई को, ये है हमारा टफ़ी, बहुत क्यूट है भाई ये टफ़ी, टफ़ी। और एक इसके साथ का और है, वो उस तरफ है, यहाँ से एक रास्ता जाता है, मैं दिखाता हूँ मैं आप सबको, तो आप देख सकते हो जो ये रास्ता जा रहा है, एक इसका फ्रेंड वहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो भाई अपनी तो हो गई है इस भाई के साथ पूरी सेटिंग, और भाई क्या है कि अपना बहुत बढ़िया है, इस टाइम देख लो खुजली कर रहा है भाई, पर भाई एकदम मस्त बंदा है यार। तो यार पर पता है एक चीज़ क्या हुई कि मेरा ना एक नुकसान हुआ, नुकसान तो यार सही बताऊँ तो बहुत बुरा लगा। एक्चुअली क्या था कि रूम शिफ्ट करते हुए ना एक चीज़ हुई मेरे साथ, एक इंसिडेंट हो गया यार भाई लोगों, दिखाता हूँ मैं आप सबको। नुकसान जो हुआ वो मेरे कृष्ण भगवान जी की तस्वीर के साथ, देख सकते हो आप क्या हुआ, रूम शिफ्टिंग करते वक्त यार ये थोड़ा सा ना जो कांच था इस तस्वीर का, ये टूट गया यार। ये कृष्ण भगवान जी की जो तस्वीर थी ना भाई, मेरे दिल के बहुत पास है, बहुत पास, मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इसका यार सारा, मतलब ना क्या है कि कांच कांच बिल्कुल अलग हो गया। तो अब इसका जो कांच वगैरह है वो निकालते हैं यहाँ से, मुझे लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल है निकालना, मेरे बस का तो हो नहीं पाएगा, हाथ वाथ ना कट जाए। तो इसको मैं अखबार के साथ रैप कर देता हूँ, और फिर यार इसको एक बार चलते हैं किसी फ़ोटो वाले के पास, वो भैया थोड़ा सा इसको सेट करेंगे इस पर। अब इसको मैंने रैप कर दिया है, तो इसको डालते हैं हम बैग में, तो फिर चलते हैं इसको थोड़ा आज क्या करते हैं, इसी ठीक करवाते हैं यार कृष्ण भगवान जी की तस्वीर को। तो दोस्तों आधे रास्ते तक तो आ ही गया था, बट यार बहुत मुश्किल था इसको कैरी करना, बहुत भाई बैंड ही बज गई थी यार, एक तो बैग में ये फिट भी नहीं आ रही है। तो मैंने काव्या को बुला दिया यहाँ पे, आप देख सकते हो, हेलो गाइस यार ये बस शिफ्ट करते वरते टूट गई है, बस ये बैग में फिट नहीं आ रही है, अब तुझे पकड़ना पड़ेगा इसको, बस आराम से पकड़िए, बस इस पर ना थोड़ा सा कांच लगा हुआ है इस पर, हल्का सा हल्का सा, आराम से करना, लापरवाही की बात नहीं है भाई लोगों, यार शिफ्टिंग में होता ही है थोड़ा बहुत नुकसान, बट अब क्या हो गया ना भाई, पैक कर दे उसे, देख रही हूँ ना मैं। तो अब चलते हैं यार, देखते हैं कहीं कोई शॉप वगैरह पता है। हाँ ठीक है, मैं लेके चलती हूँ। चल ठीक है, चलते हैं फिर। तो गाइस बैग तो बंद कर ले, बैग बंद कर लेता हूँ यार, तो फिर निकलते हैं अब शॉप की तरफ। गाइस फाइनली हम एक शॉप में आ चुके हैं यार, अब यहाँ पे भैया लोग हैं, हेलो भैया, भैया जी क्या हाल है, हेलो क्या हाल भैया। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितने छोटे छोटे भैया लोग हैं हमारे। तो यार भैया मुझे एक्चुअली ना एक मेरी ये फोटो है इसका थोड़ा सा ये सीन हो रखा है, आप देख सकते हो कांच वगैरह लग रखा है इसमें, टूट गया था ये। हाँ। तो हो जाए, आप केमिकल लेमिनेशन करवा लीजिए, वो आजकल ज्यादा ही चलता है केमिकल लेमिनेशन, तो वो आपकी मर्जी है कि आप करें। तो भैया वैसे आपके हिसाब से कांच ज्यादा सही रहेगा या केमिकल लेमिनेशन? केमिकल लेमिनेशन ज्यादा चलता है आजकल, तो उससे मेरे ख्याल से कांच वांच का पंगा भी नहीं रहता ना। नहीं नहीं मतलब वो सालों साल चलती है, सालों साल बेमिसाल है। तो यार मतलब देख रहे हो कि यार इतने छोटे से मतलब बच्चे को, यार क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन। अर्जुन नाम है भैया का, नाम ही बहुत मस्त है। और आपका नाम? हिमांशु। और आपका नाम? पप्पू। पप्पू, हिमांशु और अर्जुन, तीनों लोग भाई देख रहे हो आप इतनी सी छोटी सी एज में हैं, फिर भी भाइयों को इतनी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। और ये कब तक रेडी हो जाएगा वैसे, कल तक हो जाएगा आपके हिसाब से? इसके लिए एक दो दिन तो लगते हैं ना, तो ठीक है। वैसे मैंने सुना कि ये धूप में ज़्यादा रेडी होता है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट वो मशीनों से, अच्छा, हो जाता है। मशीनों से हो जाता है, तो ठीक है गाइस फिर अब हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, फिर भैया बता रहे हैं कि एक दो दिन में हो जाएगा, तो फिर चलते हैं इसे यहाँ पे छोड़ के। और भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर आएंगे इसको लेने के लिए, ठीक है भैया? ठीक है, तो फिर पैक कर लीजिए भैया, आप रख लीजिए, तो फिर अब हम भी निकलते हैं शॉप से। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं यार इस पार्क में,
तो यार भाई लोगों, पहले मैं बता देता हूँ कि हमने 3-4 दुकानें पहले देख ली थी, वो फ़ोटो स्टूडियो वाली। एक्चुअली क्या था यार, रेट ही इतने हाई फाई बता रहे थे भैया लोग। मैंने टोटली अगर मैं बात करूँ फ्रेम की, तो 250-300 का फ्रेम बनवाया था, और भाई वो शीशे के ही 250, कोई लगा रहा कोई 300 लगा रहा बता रहा, तो यार बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था वो। और तो एक वहाँ पे जहाँ पे हम गए वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज में भैया ने, उन छोटे छोटे बच्चों ने, कि बहुत क्यूट थे यार वो बच्चे ना, तो उन्होंने सही एकदम बिल्कुल बढ़िया प्राइस बताया। बट क्या हुआ, आते हुए यहाँ पे इस मैडम का फ़ोन यार मेरे से टूट गया, क्योंकि इसने अपना फ़ोन जो था मेरे पास पकड़ा रखा था, क्योंकि यार ये मुझे गुस्सा आ रहा तुझे देख के। अब भाई ये मुझे लग रहा है मुझे मारेगी पकड़ के, वो तो पड़ेगी पर स्क्रीन पे नहीं। कहाँ से टूटा यार? एक्चुअली क्या था कि ये मैंने जेब में रखा हुआ था फ़ोन, मुझे समझ नहीं आया। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका फ़ोन, यहाँ से इसकी स्क्रीन चले गई है, ये देख सकते हो आप। सैमसंग का एस टूट गया। ओह माय गॉड, सैमसंग का, हाँ देख सकते हो आप, सैमसंग के एस में क्रैक आ चुकी है इसके। चले मैं नमक मच रखा। कितने पैसे होंगे इसके? होंगे यार 5,000। देख रहे हो, 5,000 रुपए का तो फोन ही नहीं है जितने की बता रही है। इतनी 5,000 रुपए का फोन है? 5,000 का फोन ही नहीं है। कितने का है? स्क्रीन उसकी बहुत महंगी लगती है। चिड़ देखना कैसे रही है यार। गाइस एक बात मैं आपको ना, क्या फोन कितना इम्पोर्टेंट है तो आज के जमाने में, पता तुझे? ओहो गुस्सा, ये देखो फिर से चिढ़ रही है। तो हम अभी बेटे पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा। भाई देख लो, मारने के फिराक में है ये भाई। ये लोगों अपने भाई को बचा लो यार, फोन के लिए कुछ भी, फोन के लिए मर्डर तक भी कर देगी। बट वो ये बात होती है ना, मर्डर के बाद फिर फांसी नहीं जाऊंगी। ओहो, तो यार मैं आप सबको बता दूंगा, जुर्म ना तो अपने ऊपर ले लियो। इसका जुर्म मैं अपने ऊपर कैसे ले सकता हूँ यार? चल छोड़ दू यार, दिमाग मत चाड़ दू लोगों का। तो गाइस ऐसा है कि यार देखो, कुछ नहीं होता भाई, अमीर लड़की है, क्या है यार फोन वोन का, क्या है फोन का? ये जैसे बच्चे जैसा था, पाला पोसा था मैंने। ओ बेटे की, हाँ यार सही बोल रही है। वैसे आज के टाइम का जो भाई क्या ना, फोन तो सबकी जान बन चुका है यार, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो, दर्द तो होता है भाई। फोन को अगर ठेस पहुंचे तो दर्द तो होता ही है। बट फाइनली गाइज आप देख सकते हो ये बहुत चिड़चिड़ापन आ चुका है इस पर, कल से ज़्यादा आ रखा है, जब से मुझे एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट दिया था। तो जिसने भाई वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। और भाई हमने यहाँ पे ये थोड़ा पेप्सी वगैरह, पेप्सी है क्या ये, क्या बोलते हैं इसे, जूसा, पेपर बोट। अब तो पता नहीं, हमारे टाइम पे भाई कोको कोला चलता था बस, अब तो ये इसकी ब्रांड है, ये बोल रही है। तो पेपर बोट वगैरह हम पी रहे हैं, ये कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। तो भाई अब खाते हैं पीते हैं फिर यहाँ से चलते हैं, फिर अब बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। मंजिल की ओर कौन सी मंजिल? अब तो कोई मंजिल नहीं जा सकते, शायद इसका फोन टूट गया, इसका मूड ऑफ हो चुका है। तो ये जो व्लॉग है, एक ही मंजिल है अपने अपने घर, फोन का दुकान जहाँ पे तू इसके स्क्रीन डलवाएगा। मैं तो नहीं डलवाऊंगा भाई लोगों, मैं क्यों डलवाऊंगा यार, मैंने थोड़ी थोड़ा है संभाला तो तूने, तो मुझे मत पकड़ाती ना। गलती कर दी मैंने लाइफ की सबसे बड़ी। ओ भाई कोई बात नहीं यार, छोड़ो यार इसे, ये तो चिढ़ती रहती है। तो ये जो व्लॉग है यहीं पे करते हैं समाप्त, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप भी गाइस अपना ध्यान रखिए और लाइक कीजिए। मैं नहीं दिखाना तो समझ जाना गया ये मेरा। तो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे अपना प्यार दिखाते रहिए। तू भी बोलते सब्सक्राइब करने के लिए, क्या पता सब्सक्राइब कर देना यार, आज मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूं, ठीक है प्यार से। तो क्या पता तेरी बातें मान लेते ना भाई लोग। कौन मानता है, काश कोई मानता मेरी बातें। ओ भाई देख लो यार, तू नहीं मानता मेरी बातें, मेरे फिर से चिढ़ रही है। तो भाई लोगों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं फिर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।